साथियों, बाबा साहब ने अपनी सातवीं प्रतिज्ञा में हमें कहा है कि मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को स्वीकार नहीं। आखिर ऐसा क्यों कहा बाबा साहब ने? देखिए, मैं जितना समझ पाया हूं, बाबा साहब के जीवन का अगर निचोड़ कुछ भी है, उन्होंने जितना भी अपने जीवन में काम किया, जितने भी शुभ कर्म उन्होंने किए, जितना भी संघर्ष इस अछूत, शोषित, पीड़ित, इस शुद्ध समाज को उठाने के लिए किया उन्होंने, उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है, इसे हमें हासिल करना चाहिए। और नंबर दो, जो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और एक ग्रंथ उन्होंने लिखा जिसे हम बुद्ध और उनका धर्म इस रूप में हम जानते हैं, तो दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि हम वाकई में अगर अपना भला चाहते हैं, ये शूद्र समाज, शोषित, पीड़ित, दलित, ये पिछड़ा समाज जो हजारों साल से न जाने कितने ही कष्ट, कितने ही दुख झेलता चला आ रहा है, इन कष्टों से, इन दुखों से इसकी मुक्ति हो, उसके लिए उसे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मानना चाहिए और उन्हें बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहिए और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाना चाहिए। और इसका उन्होंने पहले स्वयं बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब हमें ये सारे के सारे आदेश दिए हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी बात को स्वीकार नहीं करूंगा। आखिर क्यों कहा? इससे पहले भी उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध को दसवें विष्णु का दसवां अवतार नहीं मानूंगा। अपनी पहली प्रतिज्ञा में भी उन्होंने इस तरह से हमें कहा है। ये सब कुछ इसलिए कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें, इस पाखंडवाद की जड़ें भगवान बुद्ध ने हिला दी और लोग भगवान बुद्ध की तरफ बहुत तेजी से जाने लगे, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने लगे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा और उससे ब्राह्मणवाद का जो पाखंड था, जो षड्यंत्र था, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा। इसलिए ब्राह्मणों ने ये सारा, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, उनके द्वारा जो फैलाया गया षड्यंत्र है वो लोगों के सामने आ जाएगा, लोग उन्हें नष्ट कर देंगे। इसलिए उन्होंने ये सारा का सारा जाल फैलाया कि किसी भी हालत में बौद्ध धर्म या बुद्ध की शिक्षाएं इस देश में न फैलें, इसके लिए उन्होंने सारा षड्यंत्र रचा। और अगर हम देखें राजनीतिक स्तर पर भी देखें तो जो मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे, वो क्योंकि मौर्य सम्राट सम्राट अशोक के जमाने से बौद्ध होने लगे और बृहद्रथ बौद्ध थे, तो उनका जो सेनापति था पुष्यमित्र सुंग ने धोखे से बृहद्रथ की हत्या की और उसके बाद में उसने यहां तक भी ऐलान किया कि जो भी एक श्रमण यानी कि बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाके देगा उसे वो 100 दिनार इनाम में देगा। तो वहां से यह षड्यंत्र चला, राजनीतिक स्तर पर यह षड्यंत्र चला और ब्राह्मणों ने धीरे धीरे बौद्ध धर्म को यहां खत्म करना शुरू किया और बौद्ध धर्म के इसीलिए उन्होंने जो है भगवान बुद्ध को विष्णु का दसवां अवतार किया, ताकि फिर उसी षड्यंत्र में, उसी पूजा पाठ में, उसी ढकोसले में ये पूरा समाज जो उनसे अलग हो गया है बुद्ध की शिक्षाओं के बाद, उसी ढकोसले में फिर से फंस जाए। तो उन्होंने हर संभव प्रयास किया बुद्ध की शिक्षाओं को नेस्तनाबूत करने का, बौद्ध धर्म को नेस्तनाबूत करने का। लेकिन जो लोग देश विदेश से यहां पर आए और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा में, बौद्ध धर्म में जो दीक्षित हुए, उन्होंने धीरे 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 बुद्ध को न केवल यहां पर बल्कि दुनिया में फैलाया। सम्राट अशोक ने भी अपने बेटे को, अपनी बेटी को विदेशों भेजा, श्रीलंका भेजा, थाईलैंड भेजा और वहां पर बुद्ध का धर्म फैलने लगा। तो ये धर्म न फैले और उनकी दुकानदारी, उनका षड्यंत्र चलता रहे ब्राह्मणवाद का, उसके लिए उन्होंने सारे के सारे प्रयास किए। इसीलिए भगवान बुद्ध, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि बुद्ध धर्म के खिलाफ, बुद्ध धर्म के विरुद्ध जो भी प्रचार होगा मैं उसमें कतई विश्वास नहीं रखूंगा। बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वो अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ ही था। तथागत ने ये कहा कि ये सब कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है,
ईश्वर अगर माना कोई है, ईश्वर के अस्तित्व को ही उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, इस विषय पर उन्होंने चर्चा तक भी नहीं की, लेकिन अगर कुछ भी है तो ये जो पाखंड है, हमें इसकी जरूरत क्या है? हम जैसे हैं वैसे ही अपने मन को स्वच्छ करके जिए, अपने मन को नितांत निर्मल करके जिए, और जो शुभ कर्म है उनको करें, जो पाप कर्म है उनको छोड़ें, यही तो सब कुछ था। एक बार उनसे भगवान बुद्ध से एक बुजुर्ग महिला ने पूछा भी था कि भगवान हमें तो धर्म ये बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती, सीधे शब्दों में साधारण शब्दों में अगर हमें समझा दें तो बहुत अच्छा होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि धर्म अगर समझ में नहीं आए तो धर्म नहीं होता, और उसे सरल शब्दों में ही होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को समझाते हुए कहा कि बैठो मैं बताता हूँ, और उन्होंने कहा पाली में है तो जो पाली में था मैं वही उच्चारण आपके सामने कर रहा हूं कि सब पापस ए करणन कुशलस उप संपदा, यानी सब पापस ए करणन, यानी सभी किस्म के सभी तरह के जो पाप कर्म हैं उनसे दूर रहो, उन्हें न करो, और कुशलस उप संपदा यानी जो भी अच्छे कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, उन सभी कर्मों को करो, आप उनकी जो संपदा है उसको जोड़ो, अच्छे कर्म जितने भी कर सकते हो करो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सह चित्त परियोदपन एस तन बुद्धानुशासन, मतलब यह है कि अपने मन को नितांत निर्मल करो, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। तो साफ जाहिर है कि पाप कर्मों से दूर रहो, अच्छे कर्मों को करो और अपने मन को नितांत निर्मल करो, बस यही धर्म है। और यही बुद्ध ने अपनी तमाम जीवन जब तक वो रहे उन्होंने यही सब कुछ शिक्षा दी, यही सब कुछ बताया उन्होंने, और ये शिक्षा उस पाखंड को बिल्कुल जड़ से उखाड़ देती है जो ब्राह्मणवाद ने फैलाया। इसलिए उनकी दुकानदारी जो बंद हो रही थी उसके खिलाफ उन्होंने सारा षड्यंत्र रचा और बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के धर्म को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया। तो तभी बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी बात होगी मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। हमें उनकी बातों को बहुत गहराई से सोचना चाहिए, उन पर चिंतन मनन करना चाहिए और मानना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को मानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।